बंदे आरो गुंगट की ओट में, मेरा कांदल क्या बंदे आरो गुंगट की ओट में, ये गुंगट की ओट में। पूरा बहुत खो बहुत खो। मुझ सा तजस्वी प्रतापी बलवानी बहादुर शेर, जिसकी भुजा बल का सारा संसार सिक्का मानता है और जिसके नाम को हर एक छोटा बड़ा जानता है, जिसकी तरफ मेरी नजरें अता हुई, फतर फुर्सत कदम चूमती हुई, हमेरे हम रिकार हुई। मैं पैर आवर हूं जिसने अच्छे अच्छे अभिमानियों के सिर को एक ही बार में कुचल डाला और मेरी गदा ने बहुत से सरक्षों का कचूमर निकाला। उसको आदर से दरबार में लेकर आओ। अरे मिलती हमारे यहाँ आज कुछ रंगम का जितना भी था वो सारा खत्म हो चुका है। आज अपने इस हर्षोल्लास के बारे में अपना कृतज्ञता दिखा के दिखाओ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on.
कटी क्यों नपटी हुई, ये क्या लहू लहान, बता नहीं रहना स्वरूप लगा, ये कैसा घमासान। मगर उन्होंने तेरी ये दुर्गति क्यों बनाई, इसलिए कि मैं उस रास्ते से गई थी। सीता, सीता, हाँ भैया सीता, जाओ जाओ जाकर महलों में अपना आराम करो। सीता, वाह कितना प्यारा नाम है सीता, सीते तेरा नाम सीता है लेकिन तू मेरे दिल का भतीजा है। सीते वाह कितना प्यारा नाम सीते, वाह कितना प्यारा नाम सीते, सीते मैं तुझे स्वयंवर में तो नहीं जीत सका लेकिन अब तू कदाचित अयोध्या वापिस नहीं जाएगी, निसंदेह तू रावण की पटराली कहलाएगी। जिस किसी से भी होगा, कैसे भी होगा, छल से कपट से धोखे से अय्यारी से मकारी से चालाकी से सितमदारी से गर्जे से जिस तरह भी होगा मैं तुझे यहां से उड़ाऊंगा और तेरे सौंदर्यता से अपने महलों की ओर तो बढ़ाऊंगा। आपके चरणों के कहिए महाराज क्या फरमान। शाबाश शाबाश मेरे बहादुर, तू बड़ा शेर है, आखिर शेरों का शेर है। उठ मेरे साथ चल, तुझे एक बात बताऊं और तेरी माता और तेरे भ्राता के बदले का इंतजाम करवाऊं। क्या कैसा इंतजाम, आपकी बात तो जी पे चला है। अरे नलायक तू भी बिल्कुल गवार है अहमद, तेरी माता और तेरे भ्राता के खातिर श्री रामचंद्र और लक्ष्मण पंचवटी में आए हुए हैं और सौंदर्य की देवी सीता को भी साथ लाए हैं। राम और लक्ष्मण है, क्या हुआ, उनका नाम सुनते ही तुझसे पेशाब निकल गया क्या? नहीं महाराज, मैं आपका ताबेदार हूँ और हर तरह से आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ, मगर क्या करूँ, हम तो कब्र में पांव लटकाए मरने को तैयार बैठा हूँ। मैं उनके हाथों को जमा चुका हूँ और उनके सामने ना जाने की अरे नलायक तुझे मालूम नहीं पंचवटी में जैसे ही श्री राम और चंद्र वहाँ पर पधारे हुए हैं तो हम और उस सौंदर्य की देवी सीता को भी साथ लाए हैं। हम उसे उठाकर कहीं रहुचक्र हो जाएंगे, फिर वो यही भोंदू जंगल में घूमते घूमते मर जाएंगे। इतना काम तो आप अकेले नहीं कर सकते हैं, फिर मेरी क्या जरूरत है। अरे नलायक तेरा ध्यान किस तरफ है, जल्दी से जल्दी मेरी बात का जवाब दे। जब आप खुद जानते हैं और उन दोनों की गैर हाजिरी मानते हैं, वहां से तो सबको मानते हैं, फिर हम उनको वहां से किस तरह हटा लेंगे, आप कैसे मैदान खाली पा लेंगे। अरे नलायक तुझे पता है कि श्री रामचंद्र से झगड़ा करना तो लोहे के चने चबाने के बराबर है, लेकिन अगर तू मेरे साथ है तो फिर दुनिया को जीत पाना कौन सा हरान है। या बेमानी तेरा आसरा, चलिए महाराज इसमें क्या देर है। जय शंकर जय शंकर। कितना सुंदर मृग है, बजा गोली। मृग तो बड़ा सुंदर है, अपना आनंद लेते हुए जंगल में घूम रहा है। ये मृग मुझे पकड़ दो, कितना सुंदर है, मानो सोने की मूरत हो। ए सूरज ये हमारे सामने ही तो घूम रहा है, पकड़ने की क्या जरूरत है।
बाबू पकड़ पा बोले मैं इसे पालूंगी इंद्रजीत अच्छा अच्छा सही है हरी भरी घास इसे खिलाया करूंगी और इसे अपना मन बहलाया करूंगी हो सकता है जी भ्राता जी इंद्रजीत इंद्रजीत जानता हूँ किसी ने मेरा नाम लिखे मुझे आवाज लगाई किसी की किसकी तुम्हारे भाई की आवाज है नहीं नहीं आपको यूं ही जीत चढ़ रही है लक्ष्मण तुम्हारे भाई को राक्षसों ने केले समझ आ दबाया है और उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है नहीं माता जी राक्षसों की उनके सामने आने की क्या मजाल है लक्ष्मण तुम विपत्ति के समय अपने भाई के काम नहीं आओगे तो फिर फोड़े पे लगाए जाओगे हाय हाय तू इतना बेदर्द हो गया और तेरा खून इस प्रकार सर्द हो गया कि भाई सहायता के लिए बुलाए और तू यहाँ बातें बनाए माता जी आप कैसे अनुचित दोष मुझ पर लगा रहे हैं और मुझे बेफालतू सुना रहे हैं क्या मेरी वफादारी का यही सिरा है जो आपकी तरफ से मिला है साथ लाकर यही गुल खिलाने थे और ऐसे भाइयों का इंजाम मुझ पर लगाने थे लक्ष्मण तुम व्यर्थ बहाने बना रहे हो और इधर उधर की बातें मुझे सुना रहे हो दुनिया अपने मतलब की यार है मुसीबत के समय कौन किसका मददगार है शोक अच्छा माता जी मैं जाता हूँ और इस साजिश का पता लगाता हूँ किंतु कृपया करके इतनी कृपया करना मैं यहाँ पे लक्ष्मण रेखा लगा के जाऊंगा उसको पार मत करना राजा लक्ष्मण आओ और मेरी जान बचाओ पालक जगाना हरिगुण गाना साधु संत सहाते थे परमार्थ उपकारों में अपनी उम्र लगाते थे उस सन्यासी उस अविनाशी के संगुण गाते थे बनों में अब तज बैठ बनों में अपना हवन कमाते थे करते हरि भजन रहता यही मनन पापों का हो दलन दुष्टों का हो दलन सबका हो शुभ चलन अलख हो अलख हो अलख हो योगराज आप कौन हैं आपका नाम कोई रहने का मुकाम जहां रात पड़ जाए वहीं पर विश्राम अलख हो अलख हो अलख हो फिर इस प्रकार यहाँ दर्शन कैसे दिए भिक्षा के लिए अहो जो कुछ कंदमूल उपस्थित है आप ग्रहण कीजिए भिक्षा तो मैं बाद में लूंगा पहले अपना नाम और निवास स्थान भी बता दीजिएगा मेरा नाम सीता है और सीता मेरा नाम है और मृतापुरी विदाशी मुकाम है श्री रामचंद्र जी के अगामी हूँ और राजा जनक की दुलारी हूँ पिताजी की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं मेरे सुतेले लक्ष्मण भाई लक्ष्मण जो कि मेरी सुतेली सास के जाए हैं वे भी हमारे साथ आए हैं इस वन में ऋषि मुनियों की हम पर मेहरबानी है और यही हमारी संक्षिप्त राम कहानी है सौंदर्य वैसे तो तुम्हारी वार्ता बिल्कुल ही निराली है दिल को हिला देने वाली है इस सुंदर जवानी के होते हुए भी तुमने जंगलों की खाक छानी तुम्हें तो चाहिए था कि किसी महल में जाकर अपने आप को आबाद करती ना कि इस तरह जंगलों में घूम घूम कर अपने आप को बर्बाद करती महत्सन साधु संतों के लिए ऐसी बातें भाई से शर्म है मैं बूढ़ी हूँ या जवान हूँ किंतु बलिहाज उम्र में आपकी पुत्री के समान हूँ
साधु संतों के लिए ऐसे भाई बातें भाई से शर्म है, और इसलिए मेरा आप पे साधु होने पर भी भरम है। भिक्षा देही अरे देवी, मैं ये बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता। रुकिए, मैं आती हूँ। अड़िया थाली मत्थे ना बज जाए। ना मैं साधु हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इनका मंत्री राजा रावण हूँ। सड़ जा रहा है।